ओके तो फाइनली यार आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में वापस। अब ये वाले मैच को और आप लोग एंड तक देख लेते हो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। क्यों, ये वाले मैच में जो AWM के हेडशॉट्स हैं आपको देख कर मज़ा एकदम आने वाला। फिलहाल उतरता हूँ स्टेडियम पे, तभी सामने अब देखो Enemy down. अब ये वाला बंदा बहुत ज़्यादा लैग कर रहा था, इसकी वजह से इसने मेरे को इतना डैमेज कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास हेलमेट वेस्ट भी नहीं थी, मर सकता था, लेकिन कैसे ना कैसे आपके भाई ने यहाँ पे सर्वाइव किया। मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर आपने ये वाला मैच पूरा देख लिया मैं श्योर हूँ कि आप सब्सक्राइब किए बिना जाओगे नहीं। फिलहाल यहाँ पर एक टीम थी, यहाँ पर मैं जैसे आया तभी पीछे से एक DP वाला बंदा दूसरे बंदे को मार देता है। अब ये वाला सीन क्या था मुझे समझ में नहीं आया, फिलहाल देखो क्या होता है। यहाँ पे एकदम से मेरा इतना अटका गेम कि एक बार मर सकता था यहाँ पे, बट कैसे ना कैसे यहाँ पे बच जाता, मुझे नहीं पता कैसे बचा, बट एंड देंड सर्वाइव हो जाता है। फिलहाल ये वाले बंदे को मैं नॉक करके डायरेक्ट फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि इसका बंदा था सामने वाली रेड बिल्डिंग में भाग चुका था गाड़ी लेके। अब भाई वो भागा था, उसको भरना तो बनता है। फिलहाल आ जाता हूँ मैं इसको भरने के लिए, और सामने था वो रेड बिल्डिंग, मैं जाता हूँ उसको मारने के लिए। लेकिन भाई साहब जो इतनी देर में छत पर चढ़ने की प्लानिंग कर रहे थे, फिलहाल देखो कैसे भरते हैं ये वाले बंदे को। बेचारा बंदा दो बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, दोनों बार नीचे गिर जाता है। हालांकि पहली बार पता नहीं कैसे गिर जाता है बट मेरे को नोटिस नहीं हुआ था, बट दूसरी बार मैंने इसको भर दिया। फिलहाल यहाँ पे सामने था ड्रॉप, ड्रॉप में एक बंदे के पास थी AWM, दूसरा बंदा एक बोट मारने के लिए खुले में चला जाता है। अब देखो उसको कैसे भरते हैं। भाई साहब रो गया होगा एक बार कहते हो कैसे। अब देखो ये वाला बंदा मुझे सामने दिखता है, अब मुझे नहीं पता था कि इधर दो बंदे हैं, लेकिन एक बार AWM और एक बार UMP चलती है, मैं श्योर था। अब ये वाला बंदा रोक हुआ तो मैं इसको फिनिश करने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरे मन में ये आती है क्यों मतलब मारा ना जाए इसके बंदे को, ताकि इसका बंदा थोड़ा पैनिक करे, तो मैं इसको इसलिए छोड़ देता हूँ। लेकिन ये वाला बंदा बहुत अग्रेसिव खेलता है, AWM से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन बच जाता हूँ। फिलहाल देखो ऊपर से नीचे कूद जाता है। अब मेरे पास एक मौका था कि मैं इसको नेट से उड़ा सकता था, लेकिन एंड टाइम पर नेट धोखा दे देता है। यहाँ पर मैं नेट खेलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता ये नेट कैसे आया नीचे, बट यहाँ पे मैं डैमेज करता हूँ, लेकिन इतनी देर में ये वाला बंदा नीचे कूद जाता है। फिलहाल देखो अब एक बार कर तो मेरे को लगा कि ये वाला बंदा ऑफलाइन हो गया, लेकिन भाई साहब गाड़ी में पेट्रोल नाम की चीज थी नहीं। लेकिन भाई जब मैं इसको ऊपर फायर कर रहा था तो मेरे बंदे का एम जो है पता नहीं दीवार पे चला जाता। फिलहाल यहाँ पे जैसे लूटा था तभी गाड़ी आती है, और जो ये वाली गाड़ी वाली को मैं जो मारने वाला हूँ, हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। कैसे ये वाला बंदा का हेडशॉट देखना, क्या ही OP मारूंगा। लेकिन जैसे इसको मारूंगा तभी मैं इसके डब्बा लूटने के लिए जाता हूँ, लेकिन एक स्क्वाड मेरा इंतजार कर रही थी यहाँ पे मेरे लिए। AWM का मुझे खाता खोला था तो सामने देवता आ जाता है, मतलब पोर्ट देवता। अब इसको मारा तभी देखो ये वाला प्यारा सा हेडशॉट। मुझे कमेंट में जरूर बताना ये वाला हेडशॉट कैसा लगा। अब मेरे दिमाग में एक चीज थी, ये वाले बंदे की क्रेट मुझे लूट नहीं थी कैसे ना कैसे, क्योंकि मेरे पास एस्टोल की एमो नहीं थी, मैंने एस्टोल के उठा रखे थे सेकंड वेपन। अब मैं जाता हूँ लूटने के लिए, फिलहाल तभी देखो क्या होता है। अब एक बंदे को जैसे तैसे करके मैं नॉक कर देता हूँ, बाहर थी दूसरे की, वो मेरे को अभी भी नहीं दिख रहा था क्योंकि घास फूस इतनी ज्यादा थी। वो बंदा मुझे डैमेज कर रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा हाइट पे था, आप सामने से देख सकते हो, लेकिन मैं अभी स्मोक कर देता हूँ कि तभी स्मोक के आर पर थोड़ा बहुत मुझे डैमेज पड़ता है, कैसे मुझे नहीं पता। बिलाल मेरे पीछे एक और AWM वाला बंदा था जो मुझको डैमेज देने की कोशिश करता है। अब मैंने नॉक किया था, मैं श्योर था
कि वो वाला बंदा उसको रिवाइव देने जाएगा, और ऐसा होता भी है। फिलहाल ये वाला अंडेट देखो, इसको मैं दोबारा नो करता हूँ, बट मेरे को समझ में नहीं आया ये वाला बंदा बच कैसे गया, क्योंकि नेड से एक बंदा तो नॉक हो चुका था, बट दूसरा बंदा नॉक क्यों नहीं आया मुझे नहीं समझ आया, बट दूसरा नेड भी फेंकता हूँ मैं। अब देखो फिर एक बंदा नॉक फिनिश हो जाता है। अब मैं हैरान था कि भाई क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब एक बंदा मरता है तो दूसरा नॉक हो जाता है, दूसरा नॉक होता है तो तीसरा बच जाता है, लेकिन ये वाला बंदा मुझ पर पुश कर देता है। फिलहाल देखो AWM का एक प्यारा सा टपली शॉट मारता हूँ इसको, बट बच जाता है एंड द एंड एस्ट्रल के काम आते, क्योंकि ये वाला बंदा मुझ पर एस्ट्रल के लेके पुश कर रहा था। तो फिलहाल एस्ट्रल के तो मारते इस वाले बंदे को एस्ट्रल के से। अब कमेंट में बोलेंगे भाई क्यों मारते हो एस्ट्रल के से, तो भाई सामने वाला बंदा चलाता तो चलानी पड़ती है, सिंपल सा रीज़न। फिलहाल ये वाले बंदे को मैंने मार दिया। अब जो पीछे वाले की बारी थी, अब ये वाला हेडशॉट देखो भाई साहब, रो गया हुआ बंदा। अब ये वाला बंदा मुझे AWM से पीछे से डैमेज कर रहा था, क्योंकि इसने मुझे कुछ चिपकाया था शॉट, बट इसका बदला मैंने इसको फिनिश करके ले लिया। भाई साहब जो ऑल पे गालियाँ जरूर दे रहा होगा, मतलब एक तो बंदे जो चैलेंज करते हैं ना ऑल पे, इसने मेरा नाम भी देखा था ये वाले बंदे का, मुझे नाम मतलब ऑल पे तो इसने हल्का सा बताया था, बट जैसे तैसे करके मुझे इसको मारना था, तो ये वाला बंदा भी एक तरह से मुझे चैलेंज देता था, तो बट इसको मैं भर देता हूँ। अब फिलहाल देखो मैं आता हूँ सीधा ये वाले वेयर हाउस की तरफ। अब सामने फाइट होती है तो मैं इसका फ़ायदा लेने के लिए जाता हूँ, लेकिन भाई साहब जो डैमेज पूरा देते सबके सब, वेस्ट डैमेज करती इसने मेरी। अब मुझे इसका बदला लेना था। फिलहाल इसकी फाइट होती है दूसरे बंदे के साथ, मैं मौका उठाता हूँ और पुश कर देता हूँ। फिलहाल देखो प्यारा सा लड्डू यानी कि एक नेड, और भाई ये वाले नेड से वो वाला बंदा ईजी फूट जाता है, और अब बचता सिर्फ लास्ट बंदा। अब मैं श्योर था भाई अब तो 1v1 की फाइट है, ईजी निकाल लेंगे, लेकिन भाई साहब जो है जोन के बाहर से मतलब पूरी प्लानिंग करके आ रहे हैं कि हाँ पोजीशन निकाल रहे हैं या फिर भाई बंदे को मारना है। बट या मैं हेल्प करता हूँ थोड़ा बहुत अपने आप को, वो वाला बंदा सामने मुझे दिखता, बट इसकी किस्मत इतनी बढ़िया थी यहाँ पे एंड टाइम पे ये वाला बंदा बच जाता है। मतलब हेडशॉट लगने वाला था कि थोड़ा सा आगे हो जाता है ये, मैं पे नेट भी करता हूँ लेकिन नेट से कुछ नहीं होता, बट मैं एकदम से हैरान था कि ये वाला बंदा गायब कहाँ होगा, पूरा पूरा जोन कट चुका था, एंड का सर्कल बन चुका था, यहाँ पे मैंने अपना प्रिपरेशन कर ली थी, बट ये वाला बंदा अब देखो कहाँ से निकल के आता है। मेरे को फुटस्टेप पता कि लेफ्ट से आ रहा है ये, तो मैं अपना पहले कवर लेता हूँ, इसको अंधा करता हूँ पहले थोड़ा बहुत। अब जैसे मैंने इसको अंधा किया ना, फिलहाल देखो ये वाला बंदा बाहर निकलता है। अब ये वाले बंदे को एक हेडशॉट देके ये वाला गेम को फिनिश करना मुझे। अब ये वाला हेडशॉट देख के कमेंट में बताना कैसा लगा। फिलहाल बंदा आता है और इसी के साथ भर देते हैं ये वाले बंदे को। दैट्स इट, यही था आज की छोटी सी गेम प्ले वीडियो, होप आपको पसंद आई, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और चैनल भी नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक आपने नहीं किया तो जल्दी से जल्दी 3K हिट करा दो अपने भाई के। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम और गुड बाय।